अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को एक बार एक नई वीडियो के साथ मैं अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम तो फैलहान है और आप देख रहे हैं ट्विटर वर्ल्ड अकेडमी का चैनल। ट्विटर वर्ल्ड अकेडमी ने हमेशा की तरह अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए सबसे पहले अब तक हर तरह की अपडेट्स पहुँचा दे, चाहे वो जॉब्स के हवाले से हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, आप तक अपडेट्स पहुँचाते रहें। आज हम आपसे एक नई अपडेट शेयर करने जा रहे हैं। ये बेसिकली वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी फ़नून और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है जॉब वो एडमिशन आ चुकी हैं, उनके हवाले से आपको डिटेल बता दें। उससे पहले अगर आपने अभी तक तमाम डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि आपको हमारे हर आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बसानी मिलती रहे। आए चलते हैं, पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इसमें जो आए हुए हैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये BBA हैं, इसमें 4 साल का होता है 8 सेमेस्टर, MBA 2 साल प्रोग्राम्स, MSc 2 साल प्रोग्राम्स और PhD 2 साल प्रोग्राम। उसके बाद दूसरा जिसके पास है वो है कॉमर्स, जो कि BS कॉमर्स है, जो 4 साल का होगा, ठीक है। उसके लिए आप 45% आपके मार्क्स होने चाहिए और बाकी जो है उसके जो MBA हैं उसके आपके 3 GPA होने चाहिए। और MS बिज़नेस जो है उसके भी 3 GPA होने चाहिए और दूसरे में भी 3 GPA होने चाहिए PhD के लिए अगर आपने अप्लाई करना है। इसके बाद आप चलते हैं उर्दू जो है उसमें BS 4 ईयर प्रोग्राम्स, 8 साल पर जो सेमेस्टर पर मुश्तमिल होगा, 45% आपके होने चाहिए FSC में। उसके बाद MPhil उर्दू के लिए आपकी जो है वो 2nd डिवीज़न होना चाहिए। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ जो हैं उसमें जो है BS 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं और 8 सेमेस्टर पर मुश्तमिल है, 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद रियाजी वालीम मैथमेटिकल साइंस, ठीक है, उसमें मैथमेटिक्स ये फर्स्ट टाइम है जो ये ऑफ़र कर रही है मैथमेटिक्स में। आपको अभी बता रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इसमें ये जो मैथमेटिक्स आ चुका है तो ये फर्स्ट टाइम ऑफ़र कर रही है। BS मैथ्स 4 साल होता है, 8 सेमेस्टर पर, इसमें आप 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। ये आपको बताऊँ ये फ़र्स्ट टाइम मैथमेटिक्स इसमें आ चुका है। इकोनॉमिक्स BS इकोनॉमिक्स 4 साल प्रोग्राम होता है 8 सेमेस्टरों पर, BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस 4 साल प्रोग्राम है 8 सेमेस्टर पर, और MPhil इकोनॉमिक्स 2 साल 4 सेमेस्टर पर। अप्लाइड साइंस अप्लाइड फिज़िक्स BS फिज़िक्स 4 साल 4 साल का प्रोग्राम है और 8 सेमेस्टर पर, MPhil अप्लाइड फिज़िक्स 2 साल 4 सेमेस्टर पर मुश्तमिल। इसके बाद इनके लिए भी आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए और ऊपर उनकी 45% इकोनॉमिक्स के लिए। कंप्यूटर साइंसेज BS 4 ईयर्स 8 सेमेस्टर पर मुश्तमिल है 4 सालों का, इसके बाद आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसके लिए आपके पास आपके 2 साल का प्रोग्राम होता है 4 सेमेस्टरों पर, MS करवा रहा है इसमें, MS करवा रहा है, MPhil नहीं करा रहा, ठीक है। इसके आपके 2.5 GPA होने चाहिए। इसके लिए आपने 2500 रुपये जमा करना है। आप इसके आप कंपास जाएंगे वहाँ से आपने इसकी वो करना है, अगर आप वहाँ से प्रॉस्पेक्ट लें वो आपने जमा करना है। इसके अलावा आप इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जाएगा आपको चलान ऑनलाइन चलान भी अवेलेबल है। तो ये थी आज की अपडेट और इनकी जो लास्ट डेट है वो 19 फरवरी है, 19 फरवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं एक मशवरा देना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप यहाँ से करें, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप इसी यूनिवर्सिटी से करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और लास्ट टाइम आखिर में ये आपको कहता हूँ कि हमेशा की तरह मैं ये कहता हूँ कि आप स्क्रीन टाइपर सीखें और उसको सीखने के बाद आपको बिना अप्रोच के आपको जॉब मिल जाएगी। ये थी आज की अपडेट जो हमने आप तक पहुँचाई है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने का तरीका ये है, आप हमें से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन बआसानी मिलते रहे। ये थी इसके अलावा हमें इजाज़त दीजिए हमारे आने वाली वीडियोस के आने तक अपना और अपने दोस्तों का रखें बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।